पॉलिथीन बैन होने के बाद लगातार जो शॉपकीपर हैं वो भी लोगों को जागरूक करने में लगे हैं और इस तरह के स्लोगन भी लगे हुए हैं कि यदि आप 250 ग्राम का मोबाइल और 350 ग्राम का पावर बैंक अपने पॉकेट में रख सकते हैं तो फिर एक थैला क्यों नहीं। लोगों से बातचीत करते हैं, आप भी लेके आए क्या अपने साथ? नहीं सर, सर यहीं पे मिला है हमें, प्लास्टिक का नहीं है ये सर, ये कपड़े का है सर। ये कपड़े का है, लेकिन ये बताइए कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं क्या कि वाकई अब पर्यावरण को सुधारने के लिए और चल पड़े हैं लोग? यस सर, पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत ही साथ देना चाहिए सभी का, और सर हमें पॉलिथीन छोड़कर, प्लास्टिक छोड़कर हमें कपड़े का थैले का यूज़ करना चाहिए सर। कपड़े का आपकी दुकान है, क्या कहेंगे या आपने क्या सोच कर लिखा है यहाँ पे? अच्छा सोच कर लिखा है। अच्छा सोच कर लिखा, तो लोग इसको पढ़ के समझ भी रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है? समझ रहे हैं इसको पढ़कर। जो खाली हाथ आ रहे हैं बिना थैले के उनको क्या कह रहे हो? उनको थैला बस ये दे कर रहे, 10 रुपए का थैला दे रहे घर से। 10 रुपए का ये दे रहे हैं जी। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है, घर से नहीं लाए तो 10 रुपए का यहाँ से ले लो, फिर अगली बार जरूर लेकर आएंगे कुछ। और आप क्या कहेंगे सर, वाकई जो पहल सरकार ने की है पॉलिथीन बैन की, क्या पूरी तरह से और ज्यादा सख्त होना चाहिए और लाइफ टाइम इसी तरह से बैन लगा रहे पॉलिथीन पर? नहीं, पॉलिथीन पर बैन करना बहुत सराहनीय है, और जहाँ जहाँ पर पॉलिथीन बन रही है उन फैक्ट्रीज के ऊपर भी बैन लगना चाहिए, और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों को पूरा अभियान चलाना चाहिए। ये पॉलीथीन पॉल्यूशन पैदा करती है, हमारी नदियों को, हमारे नालों को इन्होंने चोक कर दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पॉलीथीन पे बैन लगा दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो चीज़ें पॉलीथीन में पैक होकर मिल रही है उसका भी समाधान निकालना चाहिए। उस और भी वो भी चिंता का विषय है, जो बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ें आ रही हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उन चीज़ों से रुका जाए। आप किस तरह से देखते हैं जी, आप तो जो सामान लेने जाते हैं तो थैला लेकर जाते हैं कि वहीं कहते हैं वही दे दो कुछ? थैला लेके जाते हैं जी। कैसा है ये सरकार का कदम, क्योंकि अब तो लगभग एक हफ्ता हो चुका, कितनी परेशानी आई और कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा जी। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप क्या कहेंगे जी, कैसा कदम है सरकार का? बहुत अच्छा कदम है जी, जो जो पॉलिथीन बंद करी है और घर से थैला लेके जाएंगे वो बहुत अच्छा है। कोई कोई झोला ले आवे, कोई कोई अपने छोड़ जावे माल को नहीं। मतलब आपके पास जो माल लेने लोग नहीं आ रहे? हाँ, ना रहे तो कहते हैं पॉलिथीन नहीं है। हाँ पॉलिथीन नहीं है। तो आपको कहना चाहिए कि अपना बैग क्यों नहीं लेके आए? बैग कोई कोई बैग ले आता है, कोई अपने न लाता है। आपने नहीं रखे? ना, क्यों? महंगा पड़ रहा बहुत। तो वाकई ये भी दिक्कतें हैं, क्योंकि सामान महंगा है ही, उसके साथ जो बैग हैं कपड़े के वो भी महंगे हैं, और इसीलिए ग्राहक जो है वो छोड़कर जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद बाबू। चांद बाबू, हाँ जी। और ये चांद बाबू का कहना है कि उन्हें दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। भाई पॉलिथीन बैन होने के बाद अब किस तरह से दिक्कतें नज़र आ रही हैं? दिक्कत क्या, परेशान तो है ही, परेशानी तो है, लेकिन अपने थैले लाओ, हमारा बचत में आओ, कुछ थैले लाओ और अपना काम करो, हमारे बचत में आओ। तो ऐसा भी हो रहा है जो गाहक बिना थैले के यहाँ पर पहुँच रहा है तो उन्हें वापस भी जाना पड़ रहा है? किसी किसी को दे रहे, कभी एक आध मुश्किल 5-4 थैले दिए कल भी, वैसे ही सिर्फ। अच्छा। खाली अपने थैले लाओ, नहीं तो अपने जाओ, परेशान हो गए फिर रोज परेशान करोगे, आज थैले देंगे, इसलिए अपने परेशानी नहीं करो। तो कुछ कमी भी आई क्या कब बिक्री में? बिक्री में तो कमी है ही, कोई मुश्किल नहीं है, सब में बढ़िया है, पॉल्यूशन कम होगा, सबसे बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, तो अब घर से आप लेके आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उन लोगों क्या कहेंगे जो लेके नहीं आ रहे हैं? उन लोगों को तो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो गलत है वो। आप भी लोगों कह रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ रहे होंगे जो नहीं लेके? भैया हमारे पास तो सारे थैले लेके आ रहे हैं जो हमारे कस्टमर हैं। अच्छा अच्छा, सबको जागरूक कर दिया? हाँ जी, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो गए। सब्जी उस दिन हमें, हम लेके आए थे पिछली बार की थैला नहीं लाए, इन्होंने सब्जी नहीं दी, ले आओ भाभी, नहीं तो अपनी स्कूटर में डाल के ले जाओ ऐसी। बहुत बढ़िया, आप क्या कहेंगे जी? अजी मजा आ रहा हमारा तो, 500 रुपए रोज बच रहे। अच्छा। इतना खर्चा आ रहा था रोज? बिल्कुल आ रहा था जी, अरे यार सारे ना पन्नी पन्नी मिला थी। अच्छा। अब कुछ भी नहीं, रोड पर कोई पन्नी नहीं है बाल। तो आप और कहेंगे कि गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्टली इसको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और नए नए रूल लाने चाहिए, जब तक स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट, ये लोग नहीं मानेंगे किसी भी चीज को। वाकई। और आप देख सकते हैं, आप क्या कहेंगे जी, जिस तरीके से जो पॉलिथीन पर बैन हुआ अब जागरूक होने शुरू हो गए हैं लोग? सब जागरूक होने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये है दिक्कत आ रही है दुकानदारों को बहुत ज्यादा, सामान भी बहुत कम बिक रहा है, थैले में कम भर रहे हैं, पैसे बच रहे। अच्छा। महंगा पड़ रहा थैला, लोग जो आ रहे हैं उनके पास अगर थैला नहीं तो वापस लौट रहे हैं? हाँ लौट रहे हैं, लौटते रहे हैं, लेकिन उसमें हमें दिक्कत हो रही है दुकानदार को, क्योंकि जो सामान थैला नहीं लाता वो खाली करवा जाता है, वो थैला लेकर आएगा इधर सामान खराब हो जाता है।
जी। चलिए तो सभी लोग इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें सबको आ रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब एक हफ्ते बाद अब लोग हैबिचुअल हो गए हैं, लोगों को आदत पड़ गई है कि अब तो थैला लेकर जाना ही होगा। आप अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बाद, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।